अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 है, जो कि लेसन नंबर 5 से है। उसमें आपने क्या करना है, आपने गिवन एग्जांपल्स को रीड करना है केयरफुली, और कस्टमर डिसीजन मेकिंग के स्टेज को आपने आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको एग्जाम्पल गिवन है, और देन जो है वो आपने जस्टिफिकेशन देनी है, रैशनल देना है, जो एट लीस्ट 4 पॉइंट्स में होना चाहिए। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो है जो भी एग्जांपल गिवन है, आपने ये क्यों कहा है कि ये जो एग्जांपल है इस स्टेज को स्पेसिफाई कर रही है या उसको शो कर रही है, ठीक है। सो आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है, और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि व्हाट आर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन that influence a customer recognition of product need in the input stage of consumer decision making, ठीक है। इसमें जो है वो आपने बताना है, इसमें आपका जो लेसन नंबर 5 है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, वो उस पर ये इस पर बेस कर रहा है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग स्टेजेस। इसमें 3 जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो स्टेज है वो इनपुट स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है वो प्रोसेस स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है वो आउटपुट स्टेज है, और इसमें कुछ मज़ीद जो है उसकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को जो है वो आपने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है वो देखना है, ठीक है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, अब आपने जो है इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इनको बताना है कि एक एग्जांपल जो है वो किस स्टेज के अकॉर्डिंगली। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है कि इनपुट स्टेज में कौन से जो है वो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक्सटर्नल है और इंटरनल है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है और इंटरनल है, ठीक है। सो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले आप एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सारा रिसेंटली नोटिस डेट हर करंट वैक्यूम क्लीनर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट इज नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो इसमें क्या है कि वो नोटिस कर रही है कि उसका जो वैक्यूम है, क्लीनर है, वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। सारा सीज अ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग अ न्यू वैक्यूम क्लीनर दैट इज नोन फॉर पावरफुल सक्शन एंड अफोर्डेबल प्राइस। उसके सोल्यूशन के लिए जब वर्क नहीं कर रहा तो वो कह रही है कि मैं न्यू ले लूँ जो उसको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम सारा फ्रेंड रिकमेंड अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट शी सारा इज नाउ कंसिडरिंग बोथ ऑप्शंस एंड गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन को सर्च कर रही है, ठीक है। तो सो हम ये कहेंगे कि जो गिवन एग्जांपल है इसमें वो क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग है ना, कि उसका जो वैक्यूम है वो वर्क नहीं कर रहा, और उसकी जो फ्रेंड है वो सजेस्ट करती है कि आप इस ब्रांड का जो है वो वैक्यूम ले लें, ठीक है। अब इसमें वो बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन सर्चिंग कर रही है। सो हम कहेंगे कि ये जो गिवन एग्जांपल है ये रिलेट कर रही है इंफॉर्मेशन सर्चिंग पे। अब इसमें ये जो आइडेंटिफिकेशन मैंने दी, सॉरी जस्टिफिकेशन मैंने जो लिखी है इसको आपने पढ़ लेना है, और ये देख लें उसने 2 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया। उसमें जो फर्स्ट ये है कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, और सेकंड जो है वो उसकी फ्रेंड रिकमेंड कर रही है। सो ये क्लियर है कि जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग की, वो इंफॉर्मेशन सर्चिंग पे है। अब सेकंड जो है वो एग्जांपल है, अली हैज नैरो डाउन हिज ऑप्शन टू 2 लैपटॉप्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स एंड प्राइसेस। अब इसमें जो अली है वो क्या कर रहा है, वो 2 लैपटॉप जो है उसने देखे हैं, उसके सिमिलर फीचर्स हैं और प्राइसेस भी सेम हैं। अली इज़ मोटिवेटेड टू फाइंड अ लैपटॉप दैट मेड हिज स्पेसिफिक नीड्स फॉर वर्क एंड एंटरटेनमेंट। सो उस अली जो है वो उसमें अपना जो है वो लैपटॉप उसको अपने वर्क के लिए चाहिए,
He is now comparing the two laptops based on their specification, performance एंड रिव्यूज एंड यूजर रेटिंग. अब उसमें उसने डिसीजन मेकिंग करनी है लैपटॉप परचेज करने के लिए, जिसमें वो देख रहा है कि उसके वर्क के अकॉर्डिंगली हो, स्पेसिफिकेशन हो, परफॉर्मेंस उसके रिव्यूज चेक करा है और यूजर रेटिंग, यानी कि जिनको जो उनके यूजर हैं लैपटॉप के और उनका परचेज किया है उस बेस पे वो फाइनल डिसीजन बना रहा है. तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो इस पे बेस कर रहा है एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, क्योंकि वो वैल्यूएट करके अपने डिसीजन को वो ले रहा है. तो इसमें आप देखें तो आपकी ये जो स्टेज है, ठीक है, अब ये देखें अवेल्यूएशन वो कर रहा है, अवेल्यूएशन ऑफ एल्टरनेटिव जो प्रोसेस है, ठीक है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. सो इसमें जो ये स्टेज है वो प्रोसेस में आएगी, लेकिन उसकी जो सब कैटेगरी है वो ये है अवेल्यूएशन ऑफ एल्टरनेटिव. सो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप जस्टिफाई कर देंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, आफ्टर परचेजिंग अ न्यू स्मार्टफोन असमा इज सेटिस्फाइड विद द फीचर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फोन. अब इसमें क्या है कि असमा जो है वो नया फ़ोन ख़रीदती है, ठीक है, उसके फीचर्स उसको पसंद आते हैं और उसकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो भी उसको पसंद आती है, बट लेकिन वो नोटिस करती है उसकी जो बैटरी लाइफ है वो उतनी ज़्यादा जो है वो इतना टाइम नहीं निकालती जितना वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, ठीक है. शी डिसाइड टू राइट अ रिव्यू ऑनलाइन टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट. और फिर क्या करती है, मुझे चाहती है कि उस पे जो है वो रिव्यू दें ऑनलाइन. अब इसमें जो है आप ये जो एग्जांपल है वो रिलेट कर रही है पोस्ट परचेज अवैल्यूएशन के साथ. अब पोस्ट परचेज अवैल्यूएशन क्यों आया है इसमें, अभी ये देखें आप ये आउटपुट स्टेज में है, ठीक है, आउटपुट स्टेज में है और किस सब कैटेगरी में है, पोस्ट परचेज, क्योंकि इसमें जो कस्टमर है जो कंज्यूमर है सारिफ है वो उसको परचेज करने के बाद उसको अवेल्यूएट उसने किया और उस पे फिर जो है वो रिव्यू दे रहा है. सो इसलिए जो है ये पोस्ट परचेज अवेल्यूएशन में आएगी और ये आउटपुट स्टेज में आएगी, ठीक है. सो इसमें आपने ये जस्टिफिकेशन दे देनी है अपनी वर्डिंग में. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर टू, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर टू है, इसके दो नंबर हैं. इसमें आपने बताना है कि जो इनपुट स्टेज है आपकी, ये वाली जो इनपुट स्टेज है इसके कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं जिसे वो जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो उस लेता है. अब इसमें ये देखें, ये ए फर्स्ट जो है वो इंटरनल है, दूसरा जो है वो सोशियोलॉजिकल या आप उसको एक्सटर्नल कह सकते हैं, ठीक है. तो इंटरनल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल हैं, दीज आर द क्यूज दैट अराइज फ्रॉम विद इन इंडिविजुअल, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स उसके, हंगर थ्रस्ट, कॉग्निटिव फैक्टर्स, और द सेकेंड जो है वो एक्सटर्नल है जो कि वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले रहा होता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, रिकमेंडेशन फ्रेंड्स है, या उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है या फ़ोन खरीदा, लैपटॉप उसने खरीदना है तो उसके फ्रेंड्स या उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर या जिसने उस चीज़ को जो है वो यूज़ किया होता है, ठीक है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड आप अपनी असाइनमेंट जो है वो अपनी वर्डिंग में बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें. और किसी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे या मेल पे फाइल सेंड कर सकते हैं. थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू.